नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सुजीत और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए लाया एक 2 BHK का हाउस प्लान, मतलब एक 2 BHK बंगलो प्लान भी इसको कह सकते हैं। 30x40 के प्लॉट में 2 BHK का प्लानिंग कैसे करना चाहिए, कैसे किया जाता है, तो उसका ये आपके सामने ये ड्राॅइंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूँ, ये ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान है या बंगलो प्लान उसको कह सकते हैं। तो ये जो अपना साइड है, ये है ईस्ट, और ईस्ट वेस्ट जो प्लॉट की लंबाई है वो है 40 फीट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 40 फीट, और नॉर्थ साउथ ये जो प्लॉट की लंबाई है वो है 30 फीट। जैसे कि आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे हमने यहाँ पे एक स्टेप्स दे रखी है, ये छोटी सी जगह पार्किंग के लिए छोड़ रखी है हमने। उसके बाद साउथ ईस्ट कॉर्नर पे हमने ये स्टेयर के शोरूम डिजाइन किया है। जो स्टेयर के शोरूम की साइज है तो वो है 7 फीट बाय 16 फीट स्टेयर केस रूम, मतलब इस पूरी यूनिट को स्टेयर केस रूम कहते हैं हम लोग, और जिसकी साइज है 7 फीट बाय 16 फीट। टोटल जो लंबाई है वो हमने 16 फीट रखी है, और इसकी जो विड्थ रखी है वो है 7 फीट। तो जैसे अंदर आते हैं यहाँ पे, ये आपके सामने आपको सामने दिखेगा एक छोटा सा वरांडा। वरांडा की जो साइज है, या उसको ओटा भी कह सकते हैं हम लोग, उसकी जो साइज हमने यहाँ पे रखी है वो है 4 फीट बाय 15 फीट। विड्थ 4 फीट और ये 15 फीट। यहाँ पे है अपना ये मेन एंट्रेंस डोर डी। जैसे अंदर आते हैं, यहाँ पे हमने इस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे प्लानिंग किया है एक लिविंग रूम का। जो लिविंग रूम की साइज है वो हमने रखी है 14 फीट बाय 15 फीट। ये लिविंग रूम की साइज है। उसके बाद हमने प्लानिंग किया है यहाँ पे किचन का, साउथ ईस्ट कॉर्नर पे वास्तुशास्त्र के हिसाब से एकदम प्रॉपर पोजीशन है किचन की, और किचन की जो साइज हमने यहाँ पे रखी है वो है 11 फीट बाय 11 फीट। उसके बाद यहाँ पे हमने डाइनिंग का प्लानिंग किया है, तो डाइनिंग की जो साइज रखी है वो है 8 फीट 6 इंच बाय 9 फीट। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक साउथ वेस्ट कॉर्नर पे हमने यहाँ पे मास्टर बेडरूम डिजाइन किया है, और जो मास्टर बेडरूम की हमने साइज रखी है वो है 11 फीट बाय 11 फीट 6 इंच। उसके बाद मास्टर बेडरूम में हमने यहाँ पे एक अटैच्ड टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है, जिसकी साइज है, ये जो लंबाई है उसकी ये 8 फीट है, और जो विड्थ रखी हमने वो है 4 फीट। उसके बाद वेस्ट फेस में हमने यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन टॉयलेट बाथ, और जिसकी साइज हमने यहाँ पे रखी, इसकी जो लंबाई रखी हमने वो है 7 फीट, और जो विड्थ है वो है 4 फीट 6 इंच। उसके बाद आते हैं हमारा अगला यूनिट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे हमने यहाँ पे एक ये बेडरूम डिजाइन किया है, और इस बेडरूम की साइज सेम मास्टर बेडरूम की तरह ही है 11 फीट बाय 11 फीट 6 इंच। तो इस तरीके से हमारी ये सब यूनिट का हमने प्लानिंग किया है। यहाँ पे ईस्ट फेस में हमने यहाँ पे एक छोटा सा देवघर डिजाइन किया है, तो जिसकी साइज है हम यहाँ पे लिख देंगे देवघर यानी पूजा रूम, उसकी साइज है 3 फीट बाय 4 फीट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, लिविंग रूम में हमने यहाँ पे टोटल तीन विंडो ओपनिंग्स शो किए हैं, W W W। इस बेडरूम में हमने यहाँ पे 2 विंडो ओपनिंग्स शो की है। टॉयलेट बाथ में यहाँ पे हमने एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। मास्टर बेडरूम में भी हमने यहाँ पे 2 विंडो ओपनिंग्स शो की है। इस अटैच टॉयलेट बाथ में हमने यहाँ पे एक वेंटिलेटर प्रोवाइड किया है। किचन के अंदर हमने खाली एक ही विंडो ओपनिंग्स प्रोवाइड की है। स्टेयरकेस रूम में यहाँ पे हमने मिड लैंडिंग में एक विंडो ओपनिंग्स प्रोवाइड की है। प्लान पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।